चंदूली में भ्रष्टाचार के नीचे दबकर कर रहा है विकास। एक तरफ जहां सरकार गांवों में कामगारों को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर रही है और मनरेगा के अंतर्गत सबको रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन अगर ऐसे में कोई कामगार ये कहता हुआ आपको मिल जाए कि 2020 में मनरेगा के तहत उसने सिर्फ 7 दिन काम किया है, तो क्या वाकई आपको अपने कानों पर यकीन होगा? लेकिन आज हम इसी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। इस हकीकत को सुनाएंगे एक कामगार की ही जवानी, फिर किसकी कमी है आप खुद ही अनुमान लगा पाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अंतर्गत साहबगंज ब्लॉक के डुमरी गांव की, जहां कार्य तो सब हुए हैं, लेकिन कार्य कैसे हुए, उनका मानक क्या है, आप तस्वीरों को देखकर भली भांति समझ सकते हैं। यही नहीं, इस गांव में उतर कर देखिए क्या पात्र है और क्या अपात्र का मानक होना चाहिए। इसकी स्थिति देखेंगे तो सरकारी व्यवस्था से शर्मसार हो जाएंगे। जब जांच के नाम पर खानापूर्ति व जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगे जाने पर भी ना मिलना पूरे तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं का माहौल उड़ाता हुआ ही नजर आते हैं। इस गाँव का भ्रष्टाचार भी अब नजीर बन रहा है, लेकिन सरकार और सरकार के लोग हैं कि सच का आईना देखने के लिए ही तैयार नहीं है। हर तरफ भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। इस वक्त मनरेगा के तहत कामगारों को रोजगार देने की बात है और आज 30 जुलाई साल का आधे से ज्यादा वक्त गुजर गया है और एक कामगार कह रहा है कि सिर्फ उसको 7 दिन काम मिला है। क्या वो पात्र नहीं है या अपात्र है, ये तो आप सिर्फ उसी की जवानी सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा नाम नंदलाल है, मैं ग्राम डुमरी ब्लॉक साहबगंज जिला चंदौली का निवासी हूँ। क्या मामला है जिससे अधिकारी वर्ग आए हैं यहाँ पर? यहाँ 2016 से 2020 के बीच में जो वर्तमान प्रधान जी भ्रष्टाचार किए हैं, गमन किए हैं, उसका जाँच करने आए हैं। क्या मामला है, किस चीज का गबन है? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो नरेगा का घोटाला हुआ है। फर्जी तरीके से हाजिरी बना करके धनी लोगों के नाम से पैसा निकाल दिया गया है। गरीबों को काम नहीं मिल रहा है जो काम करते हैं, और काम जो मिला भी है वो मात्र साल में 7 दिन काम मिला है। एक छोटा सा बस्ती है वलीपुर, जहाँ 3.5 दिन नरेगा में काम मिला है। इसके अतिरिक्त क्या क्या मामला है? इसके अतिरिक्त आवास का घोटाला है, शौचालय का घोटाला है, सीसी रोड चक्रोड नाली का मैंने घोटाला है। आपने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी? हाँ, किया था। कितने दिन पहले किया था? आज के 20 रोज पहले किया था, 25 रोज। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ यही श्रीमान जी जाँच करने आए हैं। जांच अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया? जांच अधिकारी द्वारा अभी तो कहा गया है कि हाँ, भविष्य में हम इसकी जांच करेंगे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। राधेश्याम के घर से राम जी के घर तक पक्की नाली, पत्थर ढक्कन चौका बना है। अभी मैं चलूंगा, देखूंगा, लेकिन हम आप लोगों से मोटे मोटा आइडिया ले रहे हैं। जो हमारे पास जैसे चर्चा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, काम का विवरण जो है, और जो आप कह रहे हैं ये आप जो कह रहे हैं, ये आप उसके लिए लिखित रूप में आप दीजिए कि ये कार्य का नाम लिख करके दीजिए, तब उस पर कुछ होगा। आपने 16-17 से अब तक लिखा तो उस कार्य को मैं पढ़ता हूँ। एक चीज हमको बताइए, सुन लीजिए, एक चीज बताइए, हम काम पढ़ रहे हैं, जो प्रधान ने कराया है पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, देखेंगे हम जाकर। लेकिन ये आप बताइएगा, जानकारी है तो, नहीं जानकारी तो बता दीजिएगा काम।
रिंकू तिवारी के घर से मोती के घर तक पक्की नाली सीसी रोड बना है, इनसे पूछ रहे हैं आप बताइए बना है। ठीक है, डुमरी में बांसदेव के घर से रामानंद के घर तक सीसी रोड बना है। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार, ग्राम डुमरी। प्रमोद जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यह है कि लॉकडाउन में राशन जवन मिलत रहा सरकार के तरफ से फ्री, वो फ्री कबला गरीबन के न देके बड़े लोग के देते हुए कथु कि ऐसा बात है कि त्योहार नरेगा में हाजिर। तो आप लोगों को राशन पैसा से मिलता है? हम लोगों का राशन पैसा से मिला है। शौचालय मिला है आपको? शौचालय मिला है, मगर शौचालय में एकदम पानी वानी भरा है, निपटने लायक नहीं है। पूरा कंप्लीट नहीं बना है? कंप्लीट बनवाए, कम खर्चे में बनवा दिए हैं, उसमें प्रयोग नहीं हो रहा है, करने की हो गया ही खर्चा मिला है हमको। और आवास मिला है आपको? आवास हमको नहीं मिला है, पहले इनके प्रधानी में नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? बासमती। किस गांव के रहने वाली हैं? डुमरिया का। क्या क्या समस्या है आपको? शौचालय मिला है आपको? नहीं मिला, तो फूट टूट गए। अच्छा, और आवास? आवास ना मिला। राशन मिलता है कि नहीं? नहीं, जरिए नहीं मिला, तो कैसे कहा नहीं मिला। प्रधान उसके कभी समस्या के बारे में अपने प्रधान से बताया है? कहली तो। तो प्रधान क्या बोलते हैं? कहते तो आवास बनी, हम नहीं बन चुना डाल भाई जा। कुछ सुविधा उधर सरकारी सुविधा कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला है? नहीं। मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरा गाँव डुमरी है। जो आज ग्रामीणों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और इसमें जो लोगों का आरोप है कि शौचालय और आवास को लेके, तो उसमें क्या कहेंगे? अभी जिसका 2011 की सेक डाटा सूची बनी थी, उसमें कुछ गरीब पात्र छूट गए थे, उनकी झोपड़ी है, रहने को घर नहीं है, लेकिन 2011 के सेक डाटा के आधार पे उनके सेक डाटा में नाम नहीं है। अब जो है अतिरिक्त जो पात्रता सूची बनी है अतिरिक्त की, वो अभी पास नहीं हुई है, अब वो पूरा ऑनलाइन फीडिंग हो गया है, और जो ही सरकार इसको बजट भेजती है तो उन्हें सबको आवास दिया जाएगा जो पात्र छूटे हैं। का ये आरोप है कि आप सुने ही हैं कि मतलब प्रधान बोल रहे हैं कि 10,000 ले लीजिए या तो हम शौचालय बनवाएंगे। ऐसा कोई आरोप नहीं है, ऐसा कोई आरोप नहीं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। सबका शौचालय बना हुआ है, किसी का जैसे होता है ना कि शौचालय बना हुआ है, कोई लोग जैसे जगह 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 पर्याप्त नहीं मिल पाया उनके पास कि प्रधान जी हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा आरी सटा कर बना दीजिए। सड़क आरी वो बन गया खेत के पास में, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी भर गया बरसात के समय में। कहीं भी कहना है कि मतलब आवास जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिला है, और जो अपात्र हैं जिनको, ऐसा कोई नहीं छूटा है, ऐसा कोई सा। अब जो है जितने भी घर के परिवार के लोग हैं, एक घर में मान लीजिए कि जो पहले पना था, अब उसका जो है परिवार में विखंडन हो गया, उसके घर में 4 बच्चे हो गए हैं, 4 लोग अलग हो गए हैं, तो उनको जो है जो उनको आवास बाद में दिया जाए, तो शौचालय बाद में दिया जाएगा। क्या सर? शौचालय को किसने बनवाया है? सर कुछ गांव के लोग बनवाए हैं, जिनके खाते में पैसा गया है, कुछ जो है मैंने प्रधान ने बनवाया है, और सुनने में ये आया है एक मनरेगा मजदूर आरोप लगा रहा था जी, इस वित्तीय वर्ष में हमें 7 दिन ही काम मिला, ऐसा कुछ है? नहीं, से एक घर में जिसे ये पहले जो काम करने आते थे एक परिवार से 2 आदमी, इस समय परिवार में 5-7 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, तो 7 मिलाकर अगर 8 दिन काम हुआ तो 8 से 56 दिन का काम हो गया। घर में जब लॉकडाउन के चलते सब लोग घर पे आ गए, 3 महीने हमारा काम चला, 2.5 महीने के लगभग लमसम में, वही उसी में सब लोग काम किए, उसके बाद बरसात शुरू हो गई, तो अभी तो पूरा वित्तीय वर्ष बाकी है, उसी पर काम चलेगा। ठीक है सर।